तो भाई अभी तो मैं आपको सिर्फ पंजाब का ट्रेलर दिखा रहा हूँ, झलक दिखा रहा हूँ, असली पंजाब दिखाऊंगा मैं आपको बहुत जल्द। एक एक शहर, उसकी एक एक शहर की अहमियत और क्या रॉयल्टी है हमारे पंजाब में, वो दिखाऊंगा मैं आपको बहुत जल्दी। ये देखो भाइयों, खेती हो रही है और कैसे क्रशर चल रहा है यार, पूरी गेहूं निकाल रहा है, पूरी गेहूं से ये हस्क को जो है तूड़ी को अलग कर रहा है यार, ये है ना जोरदार। ऐसे इक्विपमेंट के साथ होती है हमारे पंजाब में खेती भाई साहब, देख लो आप। ये तो छोटा क्रशर है, बड़े क्रशर का तो और भी नज़ारा, और वो तो ऐसा लगता है जैसे आप सेकंड फ्लोर पे बैठे हो, देख लो दी क्या जोरदार नज़ारा यार, क्या जोरदार नज़ारा यार। देखो वो है सारे खेत पीछे, वो रहा ट्यूबवेल, और अपने पाजी ट्यूबवेल के साथ अभी थोड़ी देर में डुबकी लगा देंगे, और कितना बढ़िया पेड़ देख रहे हो छाँव में, है जोरदार नज़ारे यार। तो भाई समय हो रहा है अभी, आप देख सकते हो 2:30 बज रहे हैं, और अपन अब यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं, जलंधर रह गया जस्ट 20 किलोमीटर्स, और हम देखते हैं रुकते हैं अभी, लेट्स हैव अ सबवे, क्योंकि भाई सुबह बहुत हल्का ब्रेकफास्ट किया था यार, अब भूख लग रही है। सबवे भी ले सकते हैं यहाँ पे, जूसी बर्गर भी ले सकते हैं, तो लेट्स ट्राई जूसी बर्गर, ये लेते हैं यार, देखते हैं कैसा बनाता है यार ये, सबवे तो लेते ही रहते हैं भाई। तो गाड़ी लगा देते हैं यहाँ पे पार्किंग के अंदर छाँव में। सो लगा दी हमने वाइट फॉक्स, अब हम सिर्फ जलंधर से आई थिंक 20 या 30 किलोमीटर्स रह गए, और यहाँ पे खा रहे हैं अब हम अपना बरग्राम बर्गर। दिस इज वेयर आई हैव स्टॉप्ड, दैट इज़ अ हाईवे। चलो अंदर चलिए, देखते हैं भाई व्हाट डू वी हैव इन स्टोर। सो दिस इज व्हाट इट इज, यहाँ से खाएंगे भाई बर्गर, सीम्स कूल, बढ़िया हैंड स्कूप्ड आइसक्रीम्स। हाय पाजी, क्या हाल चाल? गुड नेम, थैंक यू करण, थैंक्स। ये यहीं रख देता हूँ मैं, ठीक है आप अपने आप दे देना मुझे यार। सो वन गुड थिंग हियर इज बट यू हैव अ फ्री फिलर ऑफ कोक्स, तो भाई जितने भी आते हैं आई कैन यूज एनी ऑफ दिस, अच्छा लिखा डोंट यूज, अच्छा सो दिस वन इज अवेलेबल, अच्छा ये दो अवेलेबल है, ओके ओके ओके। चलो भाई अपना लेने कोक, बस भाई इतनी बहुत है। अपने इंडियंस का पता क्या हिसाब है, जदों फ्री नहीं मिलती है ना तो घट लैंदे हैं, जदों फ्री नहीं मिलती तो घट लैंदे हैं, जदों नहीं मिलती यार होर पा दे। चलो यार चलो अच्छा बट सो इट्स नाइस गुड एक्सपीरियंस। वो करिए अपनी वाइट फॉक्स, और ये रहे हम। तो गाइस ये जहाँ हम रुका हूँ ना मैं, दिस इज बिग जूसी बर्गर्स फ्रॉम कैलिफोर्निया, दिस इज कार्ल्स जूनियर एंड दिस इज कार्ल्स जूनियर इंडिया, मतलब कि ये भाई अमेरिकन कंपनी है जिसके फ्रेंचाइजीज अब यहाँ खुल रहे हैं, पंजाब से शुरू हुए हैं और शायद अब और भी कहीं आएंगे, दिल्ली गुड़गांव भी आएंगे भाई, नॉट बैड। सो भाई दिस इज कार्ल्स जूनियर फ्रॉम US, द टेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये है भाई आपका कार्ल्स जूनियर के बर्गर, अनलिमिटेड कोक, और ये हमने 4 ग्रिल्ड पनीर बर्गर मंगवाया, कॉम्बो ऑफ फ्राइज, बहुत ज़्यादा हो रहा है यार ये, इट्स क्वाइट अ बिग मील फॉर अ सिंगल गाय यार, बट ऑसम। लेट मी टेल यू गाइस, दिस बर्गर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ऑसम, और ये कॉम्बो बहुत ही डेडली है यार। कोक मैंने कम ली है पर ले ली पाए थोड़ी सी कोक, बट दिस बर्गर इज रियली एन ऑसम बर्गर यार, सुपर्ब यार। तो भाई हो गया हमारा कैलिफोर्नियन बर्गर, दबा के खा लिया हमने, पर मैंने कोक बहुत कम पी थोड़ी सी बस, और उसके अलावा मैंने जो है भाई अपना फ्राइज भी मैंने छोड़ दी यार, अभी बस बर्गर खाया मोटा मोटा, और अब हम चलते हैं भाई। अब हम निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया अपने आर्मी के टैंक्स, जोरदार, बहुत ज़ोरदार यार, बहुत ही सुंदर, ये पाकिस्तानी टैंक हमने जो कैप्चर किए हैं,
ये हम अपने कैंट एरिया से निकल रहे हैं, बहुत ही सुंदर यार। ज़्यादा कैप्चर नहीं करूँगा मैं क्योंकि इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, बस आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट हैव अ ग्लिम्स। तो भाई ये हमारा कंटोनमेंट है यार, बहुत ही सुंदर यार, इतना सुंदर यार, मतलब क्या, मतलब सिविलियन एरिया से तो बहुत ही बेटर होता है यार कंटोनमेंट। और जो वॉर इन वो लगा रहे हैं ना, मेमोरेबिलिया जो कहते हैं उसको, वो लगा रखे हैं ना, बड़े ज़बरदस्त यार, बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गया। तो मजे लो जी कैंट एरिया के, पूरी ग्रीनरी, बहुत ही हरियाली, बहुत ही ज़बरदस्त, अति सुंदर, मज़ा आ रहा है भाई सब यहाँ ड्राइव करके। वेरी नाइस यार, वेरी ब्यूटिफुली डन अप यार, मतलब इतने कॉन्क्रीट एरिया के बीच में अगर आपको ऐसा नज़र आ जाए तो नथिंग लाइक इट यार। यार मैं ना सोच रहा हूँ कि क्योंकि अब मैंने ट्रैवलिंग की है अभी इतनी, तो एक तो बड़ी गाड़ी में सिंगल आदमी ट्रैवलिंग, ऑफिशियल ट्रैवलिंग थोड़ी अजीब सी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ऐसे एरियाज में आना पड़ता है जो थोड़े से कभी कभी कंजेस्टेड हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जैसे वरना चला रहा हूँ मैं और इसकी इतनी अच्छी माइलेज आ रही है और मेरी वरना थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, तो यार मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए एक छोटी कार जो सिंगल हैंडेडली मैं चलाऊं और डीजल की हो, अच्छी माइलेज दे और जहां से चाहो निकाल लो यार। तो मेरे दिमाग में कई मॉडल्स आ रहे हैं, तो अभी एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, क्या अपन प्लान बनाएं एक छोटी कार का, डीजल कार का, जो कि इकोनॉमिकल भी हो और कन्वीनियंट भी हो यार। तो भाई आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि यार क्या मैं एक छोटी कार के लिए जाऊँ या शुड आई ड्रैग माई वरना फॉर सम मोर टाइम। यार पुरानी हो रही है, आई नेवर नो कि कब ये दिक्कत दे दे। वैसे दिक्कत वाला कोई काम इसमें मैंने छोड़ता नहीं हूँ कभी भी, तो जयपुर जाने से पहले भी मैंने सर्विस वगैरह करवाई थी, ये चीज़ चेक करवाई थी। तो भैया वो अब आप सजेशन देना यार, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं बाज़ार में जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो आई एम जस्ट गिविंग इट अ लुक एंड थॉट कि क्या अपन कर सकते हैं यार। तो चलो सबसे पहले चलते हैं ह्युंडई और वहीं मिलते हैं फिर। सबसे पहले आ गए हम किया में। तो भाई किया की मेरा तो मूड कर रहा है सेल्टॉस या फिर किया की देखते हैं हम। तो भाई अपना मूड बन रहा है शायद अपन सोनेट ही देख लें, और ये बैटरी कार है इनकी यार, बड़ा लवली व्हीकल यार, कम्प्लीटली स्पोर्ट्स व्हीकल है भाई ये तो, जोरदार। ये किया कि किसी ने नहीं देखी होगी अभी तक, चार्जिंग हो रही है इसकी बैटरी की, बहुत ही सुपर कार है यार। इसके भी स्पेक्स चेक करवाएंगे अभी। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार आई एम लुकिंग एट, किया सोनेट। यार ये भी 14 लाख की पड़ती है, यू गॉट अ सनरूफ एंड एवरीथिंग इन इट। और देखते हैं कि अभी दिस विद एमटी टेक्नोलॉजी जिसमें क्लच नहीं होता है, बट गियर्स आपके ये मैनुअली होते हैं। देखते हैं अभी तो बस एक्सप्लोरेशन चल रही है, अभी और गाड़ियां भी देखेंगे फिर बताते हैं आपको हम क्या फाइनली शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। बट स्टांस वांस के हिसाब से गाड़ी मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रही है यार, ये बहुत कंफर्टेबल और बिल्कुल एसयूवी फील दे रही है और कॉम्पैक्ट और अच्छी लग रही है यार। आई कैन थिंक अबाउट इट, लेट मी सी। बेसमेंट पार्किंग में जा रहे हैं हम और वो खड़ी है हमारी गाड़ी। बहुत टाइम बाद यार, बहुत सालों बाद मैं बेसमेंट पार्किंग देखने जा रहा हूँ कैसी चल रही है। काफ़ी साफ सुथरी रखी हुई है भाई, वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया, अच्छी खासी गाड़ियाँ आ गई यहाँ पे, काफ़ी लोग रहने आ गए भाई, पहले इतने नहीं होते थे। और ये है हमारी पार्किंग, ये रही हमारी गाड़ी पार्क्ड है हमारी PB08-8448। तो हमारी दोनों गाड़ियों का एक ही नंबर है, थार वार सब खड़ी है भाई यहाँ पे। नाइस, बहुत ही प्यारे टायर लगाए हैं भाई थार में भाई ने, दिल खुश हो गया, वाह भाई वाह। ये है ट्रिजेनो रेडियल एमटी, मड टेरेन लगवाए भाई ने, मड टेरेन्स एमटीस लगवाए हैं, मैंने लगवाए हैं अपने ऑल टेरेन। तो नेक्स्ट टाइम जीप में लगवाओ तो एमटीस लगवाओ यार। और ये रही हमारी लिफ्ट, यहाँ से लिफ्ट जाती है जी ऊपर, सही है, काफ़ी सालों बाद आया। यहाँ पे हमारा एक क्लब हाउस भी हुआ करता था यार छोटा सा। अच्छा ये रहा,
देखते हैं क्या चल रहा है अंदर, लोग बाग क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बाइक्स लगी हुई हैं। ओह इट्स ओपन, ये हमारा जिम है भाई। वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है यार, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया यार, सेटिंग अरेंजमेंट वेरी ब्यूटीफुली मेंटेन्ड यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। ये हो गया अपना जिम, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, पूरा टर्न अराउंड कर दिया गया है, पूरा चेंज कर दिया है, मज़ा आ गया भाई, वेरी नाइस। ये है इनका मेरे ख्याल से ऑफिस, बहुत बढ़िया यार भाई, बहुत बढ़िया मेंटेन करता है यार, है दिल खुश हो गया यार, मैं बड़े दिनों बाद आया देखने यार। ये टीवी वी सब चल रहे हैं, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है, वाह जी वाह, ब्यूटीफुल यार, बहुत बढ़िया सोफे लगाए हैं। अच्छा पूरा अरेंजमेंट है यहाँ पे, मतलब बैठना बूटना है भाई, ये क्या है भाई, रम है तो क्या गम है, वाह वेरी नाइस। मतलब अगर कोई छोटी मोटी पार्टी करनी हो, गैदरिंग करनी हो तो यहाँ पे अलाउड है, तो उसके चार्जेस ले रहे हैं हम लोग? नहीं, क्या बात है, बहुत बेहतरीन यार, एसी वैसी भी लगा दिए भाई। बहुत सारे लोग आ गए हमारे इन अपार्टमेंट्स में रहने के लिए, भर गए अपार्टमेंट्स, जो नई मैनेजमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है यार, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है यार, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देख रहे हो सारी गाड़ियाँ ही भरी हुई यार, गाड़ियाँ 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 गाड़ियाँ, बहुत ही ज़ोरदार यार, दिल खुश हो गया, इतने सारे लोग रह रहे हैं, काम हो रहा है अब यार। ऑल फुल मार्क्स टू द न्यू मैनेजमेंट, आई डोंट नो हु इज़ द प्रेजिडेंट साहब, पर उनका नंबर लेके पर्सनली उनसे बात करके उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा, अपना नंबर भी दूंगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई प्लीज़ ऐड मी इन द ग्रुप, वेरी नाइस जॉब यार, एक्सीलेंट, फुल मार्क्स, पूरे नंबर, एक भी पार्किंग खाली नहीं, तो ये पूरा पार्किंग लॉट जो था ये भाई सब खाली होता था पूरा, आप देख रहे हो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यार। और भाई इस थार के टायर्स ने तो मेरा दिल ले लिया यार, एक्सलेंट जॉब, मज़ा आ गया भाई। पहले पार्किंग में आते थे तो ऐसा लगता था कि भूत भूत आएंगे यहाँ पे, अभी तो रौनक ही रौनक है, और ये खड़ी साड़ी गड्डी, चलो मैंने तो अपनी ऊपर ही खड़ी कर दी, नहीं तो मैं भी नीचे ले आता यार, टू गुड। ये हमारे आकाश जी हैं, जिम इंचार्ज, ठीक है, और ये नाइट ड्यूटी पे होते हैं। अब ये कह रहे हैं भैया कोल्ड ड्रिंक मेरा पीनी है तो पी लो, मैंने कहा अच्छा जी, फ्रिज खोल के देखा मैंने तो भाई ये तो पूरा कुबेर का खजाना भरा हुआ है यार, मतलब मुझे कोल्ड ड्रिंक का नहीं है, वाओ अमूल कूल, क्या बात है यार भाई, मेरा दिल खुश हो गया ये देख के यार, मतलब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग, इट्स लाइक अमेजिंग यार, मज़ा आ गया भाई। और ये पूरा इनका पूरा कंट्रोल सेंटर चल रहा है यहाँ पे यार, और ये दो दो स्क्रीनें लगा रखी हैं भाई साहब, ताबड़तोड़, टू गुड यार। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस मी विक्रम शर्मा। आज बस हम वापस जा रहे हैं और आपको कमाल दिखाते हैं, देखो वरना की एवरेज जो पूरे ट्रिप की एवरेज आई है 29.3 किलोमीटर पर लीटर यार, भाई ये तो कमाल ही हो गया यार। तो अब हम चल पड़े हैं अपने रास्ते पे वापस, गोइंग बैक होम, और काफ़ी फ्रूटफुल पूरी टीम हमने अपनी सेट कर ली है, और बस अब हम दिल्ली में अभी एंटर करने में अभी हैं और 50-60-70 किलोमीटर, आई थिंक 1.5-2 घंटे में अपन घर होंगे, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में, बीच बीच में कुछ अगर आया तो आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है रोडों का हाल, रोडों का हाल देखो।